हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक्स टीम्स। एएफसी चैंपियंस लीग इलाइट का मैच हो रहा है सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स वर्सेस योकोहामा के बीच। सेंट्रल कोस्ट हो गया मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम और योकोहामा का मतलब हो गया जापान। दोनों एशियन टीम्स हैं, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। इन दोनों का कभी पहले मैच नहीं हुआ, ये इनकी ज़िंदगी का पहला मैच है एक दूसरे के साथ। और बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, करो लिंक पे क्लिक, दिन का पहला मैच है, डोंट मिस एनी अपकमिंग अपडेट, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मैच ऐड हुआ, क्योंकि मैं एएफसी लीग्स बहुत अच्छी तरह खेलता हूँ। अब मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, तो बात करें इस मैच की। मैं आपको एक काम बताता हूँ, आपको क्या लगता है कि इन दोनों टीम में से कौन जीतेगा? जिसका CCM का कहना है या जिसको लगता है योकोहामा जीतेगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आपके कितने गैसेस ठीक हैं। और मैं तो एनालाइज करके आया हूँ, तो मेरा जो गैस है, मुझे ऐसा लगता है योकोहामा जीतेगी, वो भी बहुत ख़तरनाक जीत सकती है। अब देखते हैं भाई क्या होता है, क्योंकि एक होता है ट्रस्ट और एक होता है कि धोखा। अब हमें धोखा मिलता है या ट्रस्ट पे फ़ायदा, वो तो देख के पता चलेगा। मैं तो बिल्कुल एक साइड टीम बना रहा हूँ भाई, मैं योकोहामा के 7 प्लेयर लेने को रेडी हूँ अगर मुझे मिले, ना मिले तो CCM के भी 5 ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आगे चलते हैं, स्ट्राइकिंग की बात करें तो स्ट्राइकिंग सेक्शन में लॉप्स नाम का जो प्लेयर है, इस बंदे ने मेरा दिल जीता है। इसको मैं 22 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में जितने भी AFC लीग के मैच हुए हैं और AFC के साथ साथ जितने भी जापान लीग के मैच सैटरडे संडे को ऐड होते हैं वीकेंड में, मैं लॉप्स को हर मैच में कैप्टन रखता हूँ और ये मुझे निराश नहीं होने देता। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और आप भी। और निशिमुरा का स्ट्राइकिंग में नाम डालने का मतलब है कि कुछ नया होने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि क्या नया कर रहे हैं या क्या होगा इस बारे में, क्योंकि निशिमुरा जो प्लेयर आप देख रहे हैं ना, निशिमुरा एक जस्ट एक मतलब, मैं आपको अगर सही बताऊं तो ये इसका खेल मुझे इतना खास नहीं लगा जितना कि मुझे ये बंदा खास लगता है। और मिडफील्डिंग में इनका यान मैथ्यूज़ बहुत अच्छा खेल रहा है। जे एल्बर पिमेंता, इसकी हुई है वापसी, तो मैं इसको भी छोड़ूंगा नहीं। अब लोग क्या कर रहे हैं, निशिमुरा के साथ पक्का जाएंगे, लेकिन अब निशिमुरा पे मेरा ट्रस्ट बहुत कम हो चुका है। मैंने इसको दोनों बार लिया था, मैंने इसको 16 नवंबर के बाद एक मैच, 6 नवंबर से पहले एक जापान लीग का मैच हुआ था वहाँ पे लिया था, वहाँ पे इसने मुझे हरवा दिया। फिर मैंने 27 नवंबर को लिया था, इसने वहाँ मुझे हरवाया। तो मैं निशिमुरा के साथ पर्सनली नहीं जा रहा। ऑपोजिशन टीम की बात करें तो एक कुओल चल ही नहीं रहा। मुझे लग ही नहीं था कि कुओल कोई ऐसा प्लेयर है जिसने पहले खेला हुआ है। एक टाइम था कुओल का, इस टीम से डरते थे लोग, सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स। ये टीम मेलबोर्न को हराने का दम रखती थी, ये टीम पर्थ ग्लोरी, जो मर्जी भाई साहब, न्यूकैसल जेट्स हो गई, सबको हराती थी। लेकिन आज इनके इनको डाउनफॉर्म चल रहा है, इनका डाउनफॉल चल रहा है, जो मर्जी कह लो। तो ब्रैंटी मैन के साथ जाऊँगा। और मिडफील्डिंग में डोका के बाद मैक्लेमोंट, और अगर मान लीजिए ब्रैंटी नहीं खेलता तो फिर मेरे भाई आप ना नगोर को ले लेना, ठीक है। बाकी डिफेंडिंग की बात करूँ तो यहाँ पर तो देखिए अभी मैं इसके साथ जा रहा हूँ एडवर्डो गुइस्टी, उसके बाद टी कामीजीमी के बाद अगर बात करें तो मैं लूँगा के मैट्सबुरा अगर खेलता है, क्योंकि मैट्सबुरा को थोड़ी बहुत ना मिडफील्डिंग आती है हल्की सी। और अगर मैं एच कैटो की बात करूँ तो कैटो बहुत कॉमन है, नहीं खेलेगा तो के नगैटो के साथ जाऊँगा, लेकिन एक प्लेयर तो मैं लूँगा। और अब कई लोग सोच रहे होंगे मैंने ऑपोजिशन टीम का प्लेयर नहीं लिया, मैंने एक बात बोली थी कि मैं बी कैल्टक को कभी छोड़ता नहीं हूँ, बट भाई ऑस्ट्रेलियन लीग में, ये AFC लीग है, यहाँ पर छोड़ना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। और गोलकीपिंग की बात करें, डी पैरिक कलन के साथ जा रहा हूँ, ये बड़ा ना नया प्लेयर है, मैंने इसको पहले कभी इतना खास खेलते नहीं देखा। मेरे लिए डी पैरिक बहुत नया है, मैंने लास्ट सीजन इनके दूसरे प्लेयर देखे हैं, पैरिक के बारे में मैं इतना नहीं जानता। इसको टीम में ले रहा हूँ जस्ट एज अ रिस्क। और बात करें कैप्टन की, कप्तान देखिए लोग डोका को रख रहे हैं, मैं तो लॉब्स के साथ हूँ। वाइस कैप्टन मेरा यान मैथ्यूज़ है, मैं शब्दों का पक्का हूँ भाई, और अगर मैं चेंज करता हूँ तो वो खुले में करता हूँ, मैं झूठ नहीं छुपा के नहीं खेलता। जो टीम मैं आपको देता हूँ उसी टीम से मैं खेलता हूँ, कभी भी मैंने चेंज नहीं किया। इसलिए जो टीम है आपके सामने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।